जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है शिक्षण की नवीन विधाएं, या फिर शिक्षण के नवीन उपागम, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। तो इस लेसन के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले आप लोगों ने शिक्षण के सूत्र सिद्धांत इनके बारे में समझ लिया है कि शिक्षण के दौरान या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की आवश्यकता होती है और किन सिद्धांतों सूत्र को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो बेहद सरल तरीके से संचालित हो सके। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं कि कौन कौन सी नए अप्रोचेस हैं जो शिक्षण की क्रिया में मदद करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न थे जो है कि क्रिया, जो हमारी क्रियापरक शिक्षण का अर्थ क्या होता है, या प्रश्न की बात करें कि गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए, या क्रियापरक शिक्षण का अर्थ बताइए। ठीक है, तो क्रियापरक शिक्षण, तो क्रियापरक नाम से स्पष्ट है कि इस शिक्षण में क्या है कि गतिविधि होती है या क्रियाएँ कराई जाती हैं। ठीक, का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र यह क्रिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। इसमें छात्र का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। तो क्रियापरक शिक्षण में जो छात्र का शरीर और मस्तिष्क, वो दोनों क्रियाशील रहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पे कुछ हमारे जैसे कॉमेनियस हो गए, रूसो हो गए, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है, इनके अनुसार हम जानेंगे। तो क्रियापरक शिक्षण की परिभाषा क्या है देखेंगे। तो कॉमेनियस महोदय कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। अब एक प्रकार से आप ही सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो अगर उस टॉपिक को प्रयोग के द्वारा या क्रिया के द्वारा, गतिविधि के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अगर थ्योरी आपको रटाते जा रहा है तो फिर उस शिक्षण का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए कॉमेनियस ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। ऐसे रूसो ने कहा है कि यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जिसे इसको नियंत्रित करना है, उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाए। ठीक, तो कॉमेनियस का पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा भी है। ठीक, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्रियापरक विधि के सिद्धांत भी हैं, देखेंगे क्या है। तो क्रियापरक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्मक्रिया करना आवश्यक है। इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रिया के द्वारा ही होता है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं क्रिया करता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, और क्रिया चेतना के चिंतनात्मक, रुचि, संकल्पना तथा निर्णय तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार समस्त प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रिया चलती रहती है जिसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो ये क्रियापरक विधि के सिद्धांत है कि इन सिद्धांतों पर क्रिया जो परक विधि है वो आधारित है। आगे क्रियापरक शिक्षण की कुछ विशेषताएँ हैं, यहाँ पर 10 विशेषताएँ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर 10 पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर 4 से 5 ही बात कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इतना लिखना पेपर में इनफ है। तो शिक्षण, क्रियापरक शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो शिक्षक बालकों को करके सीखने पर बल देते हैं। ये तो भाई क्रियापरक शिक्षण है तो उसमें करके सीखने पर बल देंगे ही, तो ये पॉइंट इजी है। और शिक्षण द्वारा बालकों को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाता है। अब क्रियापरक शिक्षण में क्या करके सीखना दूसरा पॉइंट, तो ये तो होगा ही ना कि भाई बालक करके सीख रहा है तो क्रियाशील तो होगा ही। ठीक, तो करके सीखने पर बल देता है और क्रियाशील बनाने का प्रयास करता है, और इस शिक्षण में बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है। ठीक, और क्रियापरक शिक्षण में बालक स्वाभाविक क्रियाशीलता के सिद्धांत का विकास करता है, और यह बाल केंद्रित है। ठीक, और
इस प्रकार की शिक्षण विधि से बच्चों में थकान उत्पन्न हो जाती है। अब बालक क्रियाशील रहेंगे, खेलेंगे, खेल के द्वारा सीखेंगे तो थकान उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार के शिक्षण में व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। ऐसे इसमें दो तीन पॉइंट और हैं, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। करके सीखने पर बल, क्रियाशील बनाने का प्रयास, स्वयं ज्ञान अर्जित करना, ठीक, तो और बाल केंद्रित, तो ये क्रियापरक शिक्षण की विशेषताएं थी। और इससे पहले आप लोगों ने सिद्धांत की बात कर ली है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है या इसके आगे की बात करते हैं, तो आता है कि क्रियापरक आधारित शिक्षण 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 विधियाँ बताइए। ठीक, इसके जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में बात करनी है। तो क्रियापरक शिक्षण में अध्यापक के समक्ष यह समस्या बनी रहती है कि वह पाठ्य वस्तु को किस विधि से पढ़ाए कि बालक क्रियात्मक ढंग से सीखे। ठीक, ये तो नॉर्मल सी समस्या है सभी अध्यापकों की कि बालकों को किस विधि से पढ़ाएं। शिक्षण विधि का चुनाव अध्यापक की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। क्रियापरक विधियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे इन भागों में विभाजित कर सकते हैं क्रियापरक विधियों को। तो अनुभव प्राप्ति से संबंधित क्रियाएं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि इन क्रियाओं का उद्देश्य कि बालकों द्वारा नए अनुभव प्राप्त करना, इन अनुभवों किसी वस्तु का निरीक्षण करके या किसी औद्योगिक संस्थान को देखकर या किसी स्थान का भ्रमण करके प्राप्त और किया दूसरा है जा सकता ज्ञान है। प्राप्ति से संबंधित क्रियाएं। तो इन क्रियाओं का मूल उद्देश्य छात्र द्वारा अनेक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे मोमबत्ती बनाने के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, ठीक है, आदि। तो अनुभव हो गया, ज्ञान प्राप्त से संबंधित क्रियाएं और ज्ञान प्रदान से संबंधित क्रियाएं। ये क्या है कि भाई जैसे आप इसमें वाद विवाद ले सकते हैं, ठीक, या मानचित्र बनाकर छात्र अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान प्रदान से संबंधित क्रियाएं ऐसे हैं, इसका उद्देश्य ही होता है कि प्राप्त ज्ञान को व्यक्त करना। अब यहाँ पे कुछ कार्यात्मक शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित यहाँ पे मतलब दी हुई हैं जिनकी सहायता से आप ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। खेल विधि के द्वारा या फिर किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि, तो इन विधियों के द्वारा आप बच्चों को ज्ञान प्रदान करा सकते हैं। तो ये क्रियापरक शिक्षण की विशेषताएं, सिद्धांत और विधियां हो गई। आगे हम लोग बाल बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है, और ये इम्पोर्टेंट भी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा की ऐसी शिक्षा जिसके केंद्र में क्या हो, बालक हो, ठीक, मतलब बालक को ध्यान में रखकर, बालक की क्षमता को ध्यान में रखकर उसे शिक्षण देना। देखते हैं प्राचीन काल में भाई शिक्षा क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी। प्राचीन काल में शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार भाई शिक्षा देता था। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान ने जब से प्रवेश किया है तब से बालकों को महत्व दिया जाने लगा है। अब बालक की रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं का विकास सॉरी उसकी रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं का महत्व दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक, कि पाठ्यक्रम बालक की रुचियों, रुझानों और क्षमताओं के अनुसार हो। और बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण उपागम की कुछ बातें थी। अब यहाँ पे उद्देश्य देखेंगे कि बाल जो केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षण है, उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक शिक्षण, ठीक, और यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है, ये तो पहली विशेषता हो गई। और दूसरा है बाल प्रधान शिक्षण, तो इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है, ठीक, इसमें मुख्य कौन रहता है, बालक, तो मनोवैज्ञानिक है, बाल प्रधान है, रुचियों और क्षमताओं का विकास, ठीक, इसमें बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया जाता है। सरल और रुचिपूर्ण है, आत्मा व्यक्ति के अवसर इसमें दिए जाते हैं। व्यवहारिक तथा सामाजिक की यह शिक्षण बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा देते हैं। ज्ञानेन्द्रिय परीक्षण पर बल देते हैं, ठीक, तो ये आगे अब विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता और महत्व की बात करते, तो विशेषताओं की बात हो गई, अब उपयोगिता और महत्व क्या है। तो अब बाल केंद्रित शिक्षण है, तो भाई इसमें शिक्षण का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो तो बालक ही होगा ना, ठीक, और इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। बालक द्वारा स्वयं किए गए कार्य से मानसिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है और इससे उसे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है।
ये उपयोगिता और महत्व बाल केंद्रित शिक्षा के थे। तो आई होप ये बाल केंद्रित शिक्षा विशेषता, उपयोगिता और महत्व बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है, और ये 2015 में आया भी है। लिखा है, अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? तो इस कथन से भाई देखिए आप ही कि जो हमारा अध्यापन है वो आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है या कुछ बताना चाह रहा है तो उसकी जो बातें हैं वो एक आदेश के रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक, ना ही सख्त और कठोर होनी चाहिए, बल्कि निर्देशात्मक होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और ये सब करते हुए उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना चाहिए और पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना चाहिए, और बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। शिक्षक बालकों के सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में भी हो सकता है। प्रेषण, सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास, शिक्षण सामग्री का उपयोग, तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो अध्यापन क्या होना चाहिए? आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है? ठीक, तो प्राचीन काल से ही शिक्षा क्या थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। और इसमें क्या भाई और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या भाई? शिक्षक जैसा चाहेगा वो उसी प्रकार से शिक्षा देगा, और इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ है तब से बालक को महत्व दिया जाने लगा है। और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि अब जो पाठ्यक्रम होगा बालकों की रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं के अनुसार होगा। ठीक, तो ये था अंतर, इजी है। आगे है, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है और रुचिपूर्ण शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति, परंपरागत शिक्षण विधियां, विद्यालय का अरुचिपूर्ण एवं अनाकर्षक वातावरण, क्रियाकलाप रहित पाठ्यक्रम आदि बालक को विद्यालय से दूर करते जा रहे हैं। शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आज स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षण के सार्वजनिक लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान केवल अभियान ही बनकर रह गए हैं, जिस लक्ष्य को हमें स्वतंत्रता के 10 वर्ष के बाद पूरा कर लेना चाहिए था, वह आज 68 साल में भी पूरा नहीं कर पाए हैं। सन 1994 में यूनिसेफ के सहयोग से वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ क्या है? देखते हैं कि यह बालकों का शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का वही रूप है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें बालकों को आनंददायक कार्यक्रम एवं शिक्षक का पक्षपातपूर्ण वातावरण, मित्र रहित आत्मीय व्यवहार है। इसके अंतर्गत बालकों को भ्रमण, निरीक्षण, गीतों, खेलों, कहानियों आदि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण एक रणनीति है, यह एक ऐसी विधा है जो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाती है तथा शिक्षा सार्वजनिकरण लक्ष्य को प्राप्त में सहायक है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ उद्देश्य हैं रुचिपूर्ण शिक्षण के, वो भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो पहला उद्देश्य क्या है कि इसका लक्ष्य ज्ञान एवं व्यवहार की दूरी को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से जोड़ना, बालकों को विद्यालय में ठहराव तथा गुणात्मक शिक्षा की प्राप्ति कराना, विद्यालय के बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्यीकरण करके उसे एक रुचिपूर्ण क्रिया केंद्र के रूप में विकसित करना, शिक्षक की एक मित्र एवं सहयोगी के रूप में कल्पना करना, स्वनिर्मित एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध को रोकना। ठीक, और ऐसे ही काफ़ी इसके पॉइंट्स हैं, और शिक्षकों की स्व प्रतिभा का विकास का अवसर प्राप्त करना। तो वीडियो पॉज करके आप आसानी से कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, वैसे 5 से 6 पॉइंट्स आपके ध्यान में रहे तो काफ़ी हैं। अब रुचिपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। तो रुचिपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया एक सुनियोजित क्रिया है। इस कार्यक्रम में सफल क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के अधीन राज्य स्तर पर रुचिपूर्ण शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो विभागीय अधिकारियों, यूनिसेफ, जनपदीय टास्क फोर्स, डाइट तथा प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम का निर्माण, नियोजन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप करता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक, तो आगे जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं डायरेक्ट, वो है कि रुचिपूर्ण शिक्षा की विशेषता लिखिए। तो
तो बच्चों की स्वच्छता मानसिक व शारीरिक विकास बच्चों को प्रसन्नचित रखता है। ठीक, बच्चों का सर्वांगीण विकास करके सीखने का रुचिपूर्ण एवं सरल तरीका, बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने, उसका विद्यालय में ठहराव एवं सीखने सिखाने के लिए विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाया जाए, विद्यालय की बाह्य एवं आंतरिक सज्जा पर विशेष बल, उबाऊ और अनाकर्षक वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति, रुचिपूर्ण शिक्षा एक समयबद्ध एवं सुविचारित रणनीति है, और शिक्षा प्रशिक्षण में समानता की भावना का विकास। तो रुचिपूर्ण शिक्षा की विशेषताएं ये थी। ठीक, तो रुचिपूर्ण शिक्षा हो गई है। आगे हम लोग चलते हैं सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं। तो सहभागी शिक्षण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सहभागी शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा शिक्षार्थी की सहभागिता से है। ठीक, तो सहभागी शिक्षण में मेन कौन कौन है, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, इन्हीं की सहभागिता से सहभागी शिक्षण होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक तथा एवं शिक्षार्थी दोनों ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए दोनों की सहभागिता आवश्यक है। एक दूसरे के बिना शिक्षण प्रक्रिया अधूरी है। कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक कई क्रियाएं करता है। वह शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछता है, श्यामपट पर लिखता है, पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, उनका सहयोग प्राप्त करता है, शिक्षक प्रश्न पूछता है, शिक्षार्थी उत्तर देता है। ठीक, और दोनों ही एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो यही है सहभागी शिक्षण का अर्थ, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं देख लेते हैं। यहाँ पे सहगामी या सहभागी शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसको भी देख लेते हैं। तो सहभागी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के समस्त पक्ष लाभान्वित होते हैं, मतलब टीचर भी लाभान्वित होगा और जो स्टूडेंट है वो भी लाभान्वित होगा। सहभागी शिक्षण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सहभागिता होने से वह क्रियाशील बना रहता है। सहभागिता शिक्षण में शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया श्रेष्ठ शिक्षण प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है। ठीक, ऐसे यहाँ पे विशेषताओं में पॉइंट्स हैं। तो सहगामी शिक्षण की विशेषताएं, ये आप इसका अर्थ समझिए और विशेषताओं में 3-4 पॉइंट या 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी ठीक है। आगे है कि सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। तो सहभागी शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है कि इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में रहना है, तभी सहभागी शिक्षण सफल होगा। शिक्षार्थी को स्थायी ज्ञान प्रदान करना, सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा में नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना, शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखना, ठीक, और शिक्षार्थियों को उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराना, शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो लगभग पॉइंट जो होते हैं मिलते जुलते रहते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पूरे 10 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक मैं अपने अगले प्रश्न पर चलता हूँ, जो है बहुक्षेत्रीय शिक्षण का अर्थ क्या होता है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो पढ़ते हैं इसको ध्यान से, और सहभागी शिक्षण आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बहुक्षेत्रीय शिक्षण पर आते हैं। क्या है कि भाई, इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया प्रशस्त हो रही है, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी ही नवीन समस्याएं भी जन्म ले रही हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर शिक्षक शिक्षण का क्षेत्र हो। वर्तमान समय में शिक्षण के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिससे छात्रों की शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इसी प्रकार की एक समस्या है विद्यालयों में बढ़ते छात्र तथा अध्यापकों की घटती संख्या। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में देखा जाता है कि 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वहाँ अध्यापकों की संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बहुश्रेणी, मतलब बहुश्रेणी शिक्षण विधि को अपनाते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है। तो बहुश्रेणी शिक्षण या बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक, क्या, शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं में छात्रों को एक साथ बैठाकर उनकी वैयक्तिक रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। तो बहुस्तरीय शिक्षण ये समझिए कि भाई, एक शिक्षक 2 या 2 से अधिक क्लास को एक साथ पढ़ाता है, जिसमें जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। तो सिंपल है बहुस्तरीय शिक्षण, ज़्यादा समझना भी नहीं है, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के समय का सदुपयोग करना, छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करना, शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का विद्यालय समाधान, परिसर में करना, अनुशासन अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का विकास रुचि एवं भिन्नता के आधार पर करना। तो ऐसे ही काफ़ी इसके उद्देश्य हैं। आगे है कि बहुस्तरीय शिक्षण विधि में कौन कौन सी बातों को
ध्यान रखना चाहिए, एक से अधिक, एक मतलब दोनों क्लास एक साथ, ठीक, मतलब ऐसे करें कि जैसे से कोई टीचर है वो दो क्लास एक साथ ले रहा है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शिक्षण के दौरान। तो बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था में सबसे पहला प्रयोग छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था से है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में एक या दो कमरे होते हैं, इनके सामने बरामदा भी पाया जाता है, इसी में 1 से 5 तक की कक्षाओं को लगाया जाता है। छात्रों को इस प्रकार बैठाना चाहिए कि वे एक दूसरी कक्षा को परेशान ना करें, ठीक है, यही है। और समय सारणी बनाते समय भी कमरे तथा शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखकर ही समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। बहुस्तरीय शिक्षण विधि में अध्यापक छात्रों की रुचियों भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण करे, और विद्यालय प्रांगण में वृक्ष हैं तो वहाँ पर शिक्षण कार्य किया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन जिनको ध्यान में रखना चाहिए। आगे है कि बहुस्तरीय शिक्षण विधि की नीतियाँ, ये क्या है? तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि की नीतियों को बनाना इसलिए आवश्यक है जिससे छात्रों में शिक्षा उद्देश्य, पाठ्यवस्तु तथा पूर्व कक्षा स्तर के अनुरूप निर्धारित गुणों का विकास आसानी से हो सके। इन नीतियों के निर्माण करते समय तथा इनका व्यवहारिक रूप में प्रयोग के समय छात्रों की मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं, परिस्थितियों, रुचियों आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और बहुस्तरीय शिक्षण विधि की नीतियाँ निम्नलिखित हैं कि जैसे उपयुक्त समय सारणी का निर्माण, प्रत्येक कक्षा में कर्मठ एवं उपयुक्त मॉनिटर का चुनाव, छात्रों के द्वारा निर्मित अधिगम सामग्री का उचित रखरखाव, विद्यालय के छात्रों के स्तर के अनुरूप पुस्तकालय की व्यवस्था, खेलकूद व्यायाम आदि की व्यवस्था, छात्रों को संज्ञानात्मक एवं संज्ञानोत्तर ज्ञान की उपेक्षा न करना। तो ये बहुस्तरीय शिक्षण विधि की नीतियाँ थी। इसके बाद भी अभी आप लोगों को काफ़ी पढ़ना है, जैसे उपचारात्मक शिक्षण हो गया, दक्षता आधारित शिक्षण हो गया, और बहुकक्षा क्या है, ठीक, उसके बारे में। तो आज का वीडियो है जो यहीं तक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद इसी लेसन का अगला वीडियो यानी इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, नहीं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग भी लगने लगेगा, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।